सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग? आ चुका हूँ न्यू सोलो बस स्क्वाड की वीडियो लेके, और आ चुका हूँ नोबो। तो यार इस गेम प्ले में ऐसा दो हादसे होते हैं जिसको भाई आप लोग बिल्कुल देखना यार। दो बार मैं ऐसे ऐसे टाइम पे मैं मरते मरते बचा हूँ जहाँ मेरे को बचना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी था यहाँ पे मैं बच गया। फिलहाल यार इस गेम प्ले में 20 किल होने वाले हैं, तो यार देखो मज़ा तो बिल्कुल आएगा। और यार इस गेम प्ले में मैं आपको बताऊंगा कि जो रॉयल पास का जो मैंने गिव अवे रखा था उसका विनर कौन है। तो यार जल्दी से पहले लूट कंटिन्यू करते हैं, जो बंदे हैं जाते हैं फिर वहाँ पे। और यार देखो नोवो में कोई बंदा आता नहीं है, और लेकिन प्लेन पाथ था, लेकिन पता नहीं क्यों बंदे नहीं आए। तो अपनी लूट को कंटिन्यू करके मैं गया सेल्टे की तरफ, और यार लकीली मुझे यहाँ पे एक स्क्वाड मिल गई। अब यार सेल्टे में बस यही एक ऐसी जगह जहाँ भाई रश करने में बहुत ज़्यादा फटती है, क्योंकि यार यहाँ पे एक मतलब चारों तरफ से ओपन है यार, और बंदे कहीं भी कैंपिंग कर सकते होते हैं। तो यार यहाँ पे मुझे दो तीन फुटस्टेप आती थी, यहाँ पे मैं कंफर्म करने के अपनी बग्गी लेके आगे आता हूँ, लेकिन यार एक बंदा हमारे बॉल बाबा पे जुल्म ढा रहा था। तो यार वो मरते मरते बस यही बोल गए कि यार इसका बदला लो आप इससे जल्दी से। तो यार ये बंदा इतना ज़्यादा मसरूफ हो गया था बॉल बाबा को मारने में, भाई ने मेरे को नोटिस ही नहीं किया। जब तक नोटिस करता मैं इसको अग्राम से ढेर कर दिया था। फिलहाल सामने बनते हैं, और भाई ये कुछ ज़्यादा ही आईक्यू वाला दिमाग लगा रहे थे, तो करना पड़ेगा उनको भी ख़त्म। अब यार ये बंदा इस बंदे को बेट के तरह यूज करता है, लेकिन मेरे को पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, जिसको यहाँ पर से मैं अग्राम से नॉक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं दो तीन मॉली वोली फेंकता हूँ, क्योंकि देखो यार क्या पता मेली वेपन से कुछ बंदा मर जाए या फिर कुछ डैमेज हो, और फिर रश करने में ज़्यादा आपको सही लगे। देखो यार सोलो बस स्क्वाड में जितना ज़्यादा आप मेली वेपन का यूज कर सकते हो दूर से ही डैमेज देने का, वो उतना ज़्यादा सही रहता है। तो फिलहाल अब देखो यार मैंने यहाँ पे मॉली किया, और फिर करते हैं इनके ऊपर रश। अब यार इनमें से एक बंदा अभी जस्ट रिवाइव हुआ था, और उनको उसको बस एक ही बुलेट मारना था, और बस मैंने वैसा किया भी, और वो बंदा हो जाता है नॉक। और दूसरा वाला बंदा मॉली से बहुत डैमेज था, और उसको मैंने आराम से नॉक कर दिया, और उनमें से एक को मैं छोड़ देता हूँ इस उम्मीद में कि उसका चौथा बंदा आए, लेकिन यार वो तो कभी आता ही नहीं है। फिलहाल मैं जा रहा होता हूँ जॉब के पीछे, लेकिन यार यहाँ बस एक बंदे की फुटस्टेप आती है, और पता नहीं ये बंदा कौन सी नशा करके था, लेकिन भाई बहुत आराम से बजाता हूँ इसको। अब भाई यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे मेरे को बंदे मिलेंगे, और एग्जैक्ट यहाँ पे मेरे को बंदे मिलते हैं। तो देखो कैसे बजाते हैं इनको। अब यार यहाँ पे मेरे साथ कुछ गजब का घपला होता है कि यहाँ पे बैक टू बैक दो स्क्वाड आती है, और शायद से ये अलग स्क्वाड थी, वो अलग स्क्वाड थी, हाँ अलग ही स्क्वाड थी। फिलहाल मुझे सामने से एक बंदे की फुटस्टेप आती है, तो फिर चेक करते हैं उसको। अब यार यहाँ पे मैं आता हूँ उस बंदे पे रश करने के लिए, लेकिन पीछे से एक डसा के बाद आती है, तो जल्दी भागते पहले अंदर, क्योंकि यार थर्ड पार्टी होना चाहता नहीं हूँ। फिलहाल यार इस बंदे को मैंने आराम से नॉक किया, और उसका दूसरा बंदे की मुझे उम्मीद थी वो कहाँ से आएगा, और वो बंदा एग्जैक्ट वहीं से आता है, तो करते हैं उसको जल्दी से ख़त्म। फिलहाल ये बंदा जैसा नॉकआउट हुआ, इसका बस तीसरा बंदा या फिर चौथा बंदा बचा हुआ था, और भाई तीसरा बंदा इसकी लोकेशन खुद ही दे देता है फायर करके। फिलहाल उसका तीसरे बंदे को मुझे लोकेशन पता चल गई कि वो बंदा वेयर हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और वो बंदा यहाँ पर से मुझे दिख भी जाता है। तो यहाँ पर से मैं एक ग्रेनेड करना चाहता हूँ, लेकिन उतनी दूर तो जाएगी नहीं, तो एंगल बदल के स्प्रे मारते हैं उसके ऊपर। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा लो था, बहुत ही ज़्यादा, तो इसके ऊपर मैं गया रश करने। अब यार यहाँ से मुझे फुटस्टेप आती कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, लेकिन अब मालूम चलते ये तो वो दो बंदे थे जो कि रिवाइव होने के लिए जा रहे थे, लेकिन भाई इनके तीसरे बंदे की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा यहाँ पे होगा। और भाई को मैंने बहुत ही आराम से नॉक कर दिया, और लगे हाँ तो फिनिश कर दिया, क्योंकि यार देखो अगर मैं इसको फिनिश नहीं करता ना, जो उसका चौथा बंदा होता ये उसको लोकेशन पूरे तरीके से बता रहा होता कि ये बंदा यहाँ पर टीपीपी ले रहा है या फिर जो कर रहा है। फिलहाल इस बंदे को मैं गजब का डैमेज देता हूँ, लेकिन जो उसके टीममेट होते हैं भाई बोलते हैं बदला लो इससे आके, लेकिन जो भी थे इस बंदे को मैंने आराम से ख़त्म किया। उसके बाद पता नहीं यहाँ पर एक और स्क्वाड आ गई जो कि पूरा फुल मूड में थी मेरे पे रश करने के। तो देखो कैसे निपटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक करते हैं अपने आप को, पहले बैंडेज या हील लगाते हैं, और फिर सीधा रश करते हैं उनके ऊपर। अब यार मुझे नहीं मालूम ये कितनी बड़ी पागल स्क्वाड थी, लेकिन उनकी टीम का एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिमान बन रहा था, अब इसका जो दूसरा बंदा था भाई छत के ऊपर था, जो कि यार ये भी थोड़ा शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई को मैंने आराम से नॉक कर दिया। अब यार देखो तीसरा बंदा इसका बचा हुआ था, जो यहाँ पे मैं फर्स्ट एड लगा रहा होता हूँ, भाई ऊपर से स्पाइडरमैन की तरह कूदते हैं और प्रोनन फायर के साथ कर देते हैं इनको भी ख़त्म।
अब यार ये दोनों स्क्वाड वाइप आपको अगर पसंद आया तो यार जल्दी जाकर लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो यार जाकर सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल यार यहाँ पे कोई बसता नहीं, तो यार जल्दी से लूट के यहाँ से निकलते हैं, और यार यहाँ पे आने के बाद देखो कुछ सरप्राइज मिलता है। ना ना ये दो बंदे नहीं, अब ये तो सरप्राइज बाकी है भाई। यहाँ पे चौथा बंदा भी नॉक होता है, अपने पीछे से फायर आता है, और मेरे बैरल पे 4x लगा हुआ था, जो कि भाई एक ऐसी गन पे जिसका रिकॉइल का हैंडल करना भाई बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल जो भी होता है, सामने बंदा था जो कि रिवाइव करने के लिए गया था, तो यहाँ पे मैंने एक मॉली फेंका, और बस यहाँ पे मैं उम्मीद करने लगा कि वो बंदा जाकर जल्दी से खत्म हो जाए या फिर मर जाए, लेकिन यार मॉली कुछ काम ही नहीं आई उसके सामने। फिलहाल यहाँ पे अपने आपको फर्स्ट एड लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेनेड फेंकते हैं। और इस ग्रेनेड ने चारों को खत्म कर दिया। फिलहाल जो भी था यहाँ पे इसको मैंने लूटा। अब बारी अपने विनर को अनाउंस करने का। तो यार ये मेरी वीडियो है, तो इसको जल्दी से पहले लोड कमेंट पे आता है, और देखो ये वाली वीडियो जिसमें कमेंट करना था, तो यार जल्दी से बिना किसी देरी के विनर को अनाउंस कर देते हैं। तो यार मुबारक को एफ टू फक, आपका नाम तो भाई बहुत ही अजीब है, लेकिन जो भी है आपके अकाउंट में ये यूसी चली गई है। कितनी यूसी है अभी आपको मैं बता देता हूँ, 800 यूसी है। 800 यूसी में से आप 200 यूसी को आप जो कर सकते हो करो, 600 यूसी का आप रॉयल पास खरीद लेना। फिलहाल जो भी है, ये वीडियो पब्लिश होने से 2 मिनट बाद आपके अकाउंट में यूसी चल जाएगी। अब मेरे अलावा ओनली 5 बंदे बचे हुए थे, जिनमें से एक स्क्वाड थी, और उन्होंने अपनी लोकेशन खुद ही बता दी प्लेयर को चला के, तो जाना तो पड़ेगा इनको चेकआउट करने के लिए। अब यार यहाँ पे आप लोग जीता जाता है, आप एग्जांपल देख सकते हो स्क्रीन कैसे फ्रीज हो रही है। लेकिन जो भी था, अपने एम को मैंने रिकवर किया। अब यार सामने बंदे, अब भाई यहाँ पे मैं लिटरली मरते वरते बचाऊ, एक बुलेट भाई, एक ही बुलेट गाऊ मैं यहाँ पे, अब मैं मर जाऊंगा। फिलहाल जो भी यहाँ पे अपने आपको जल्दी से पहले हील लगाते हैं। अब यार इस बंदे को देख के मेरी जो मेरी जान थी ना भाई, मेरी हालत में आ गई थी, लेकिन जो भी था इस बंदे को मैंने आराम से नॉक कर दिया। पता नहीं ये बंदा मेरे को कैसे नहीं मार पाया, लेकिन जो भी था यहाँ पे मैं बच गया। उसके बाद पहले हील लगाते हैं अपने आप को, और ख़त्म करते हैं इनकी पूरी स्क्वाड को यार। फिलहाल यार इनकी टीम में से एक बंदा मेरे पे आता है रश करने के लिए, लेकिन यार प्रॉब्लम ये थी जो उसके 2 टीममेट्स थे वो उसको पहाड़ी की तरफ से कवर फायर दे रहे थे, जो कि उन्होंने दिया भी, लेकिन मैं दूसरी बार उसको जाकर आराम से नॉकआउट कर देता हूँ। फिलहाल इसके जो टीममेट्स बचे होते हैं अब भाई थी उनके खत्म होने की, तो यहाँ पर पहले मैं बूस्टर लगा देता हूँ, क्योंकि देखो अभी जस्ट मेरी बूस्टर्स ने मेरी जान बचाई थी, और यहाँ पर मैं जल्दी से एड्रेनलिन लगाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं उन बंदों को। अब उनके दोनों के पास में स्नाइपर थी, एक के पास में मिनी, एक पास में कार 98, तो यार उसे थोड़ा सा बच के जाना पड़ेगा। इस बंदे को मैं कुछ टैग देता हूँ, तो वो बंदा चल जाता है पीछे अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन ये बंदा मेरे चपेटे में आ जाता है। तो फिलहाल इनकी स्क्वाड के 3 बंदों को मैंने नॉक कर दिया था, बचा था एक बंदा, तो करते इसके ऊपर जाकर रश। अब यार मैं उनके ऊपर आता हूँ रश करने के लिए, लेकिन वो बंदे मेरे को दिखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चल गए थे। लेकिन जो भी था, इतना मालूम चलेगा कि सामने पत्थर के पास वो बंदे रिवाइव हो रहे होते हैं, तो जाके करते हैं खत्म उनको। अब भाई सही बताऊँ तो मुझे इतना बिल्कुल पता नहीं कि ये मेरी डिवाइस का प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जो कि पिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, इस बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा टैग दिया, उसके बाद ये बंदा जाके मरा। फिलहाल जो भी था इनकी स्क्वाड को मैंने खत्म किया, और लास्ट एक बंदा बचा हुआ था, उसकी लोकेशन मुझे पता ही थी कि वो कहीं ना कहीं जाकर सांप बनेगा, तो वो बंदा यहाँ पे स्पॉट होता है, तो यार करते हैं उसको खत्म। फिलहाल जो भी था, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू तो यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय।